नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ जिसका इस्तेमाल करते हैं आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में एक भी मच्छर दिखाई नहीं देंगे। मच्छरों को दूर करने का या फिर घर से बाहर निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय आज मैं आपसे इसे शेयर करने वाला हूँ। चूँकि दोस्तों गर्मियों का समय आ गया है और इस मौसम में मच्छर बहुत परेशान करते हैं, रात्रि में जीना हराम कर देते हैं। पसीना आए न आए लेकिन मच्छर सबसे पहले आते हैं और लोगों को बहुत ही तंग करते हैं, सुख चैन छीन लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप परेशान हो चुके हैं मच्छरों से तो आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसका अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो देखेंगे आपके घर में एक भी मच्छर दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों मोर्टीन या फिर कोई भी क्वाइल जलाने से बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बच्चे जहां सोते हैं वहां पर अगर आप कोई मच्छर भगाने वाला बाजारू सामान इस्तेमाल करते हैं तो उनके सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। लेकिन आज का यह उपाय आपके बच्चों पर बिल्कुल भी बुरा असर नहीं डालता है और मच्छर बहुत ही आसानी से आपके घर से भाग जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस उपाय को। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में घंटे को दबा दें ताकि आपको इससे और भी जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे। तो दोस्तों इसे करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा ये दोस्तों मिट्टी का बर्तन। अगर आपके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं है, अगर आपके घर में लालटेन है इस तरह से, तो आज मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप लालटेन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ये मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, ये आपको कुम्हार के पास लगभग में 5 रुपये में मिल ही जाता है। तो आप यहाँ पर 2 कपूर लीजिए, यह वही कपूर है जो आप अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, यह भी आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। जब यह जलता है तो हमारे सेहत को नुकसान नहीं करता है और मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही कारगर है। तो आप यहाँ पर 2 कपूर लीजिए और ऐसे एक दिए में तोड़ लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपको ठीक वैसे ही करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ये दोस्तों सरसों का तेल 2 चम्मच की मात्रा में। आप बढ़ा भी सकते हैं अपने मात्रा के अनुसार। अगर आपको इसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक जलानी है तो आप ये दिए को आधा से ऊपर भर दीजिए, नहीं तो दोस्तों केवल 5 से 10 मिनट जब आपके घर में जलेगा तो आपके घर से मच्छर बिल्कुल भाग जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर लेना होगा ये दोस्तों किरासन तेल, मिट्टी का तेल। यह तेल आपके किराने के दुकान पर मिल जाएगा तो आप इसकी मात्रा 1 चम्मच इसमें रखिए और फिर आप इन दोनों को मिला लीजिए। दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और मिलाने वाले हैं और वह चीज़ है ये नीम का तेल। नीम का तेल जब भी जलता है तो मच्छरों को इसकी गंध बर्दाश्त नहीं होती है और वह आपके घर से स्वतः भाग जाते हैं। तो आप इसकी मात्रा यहाँ पर कम से कम 1 चम्मच रखिए। नीम का तेल भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद एक दफ़ा फिर से इन सभी चीज़ों को मिला लीजिए और इसके बाद आप लीजिए एक बत्ती, ये बत्ती इसमें रखिए और इसे दोस्तों जला लीजिए। या फिर आप चाहें तो ये हमने जितना भी चीज़ों को यहाँ पर मिलाया हुआ है आप ये लालटेन में यहाँ से डाल दीजिए और फिर इसे लालटेन को जला दीजिए। दावा के साथ आपके घर में एक भी मच्छर दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए मैं आपको इसे जला करके दिखाता हूँ कैसे आपको इसे जलानी है। इस तरह से जला दीजिए। लेकिन दोस्तों जलाते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। जहाँ पर कपड़े हो या फिर कुछ वस्तुएं रखे हों, कीमती सामान हो, आप वहाँ पर इसे न जलाएं, बच्चों के पास न जलाएं। आप इसे जला करके अपने घरों को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, खिड़की और दरवाजों को। उसके बाद आप खोल दीजिए, 5 मिनट तक आप इसे जलने दीजिए। उसके बाद आप अपने घरों के दरवाजे को खोल दीजिए और खोलने के बाद भी आप जलने दीजिए। ऐसा करते हैं तो देखेंगे आपके घर के अंदर एक भी मच्छर दिखाई नहीं देंगे और इससे जलने से आपके बच्चों पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है और आप इसका इस्तेमाल इजीली तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आप सभी से एक और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।